सामने से आए थे क्या? देख, ओ भाई ओपी भाई, भाग जोन भाग। सेफ खेला तो रोजॉक क्यों जाते हैं? अरे भाई तो हेलो यार दोस्तों, कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का आज की इस नई गेम प्ले सीरीज में। और आज हम वापस कूदे हैं यार पोचिंग की। तो यार आज मैं रैंडम बंदों के साथ खेल रहा हूँ और मुझे लगा था बंदा बहुत बहादुर है जो मेरे साथ आ गया मेरे को फॉलो करके पोचिंग की, लेकिन ये तो पहले डरने लग गया कि भाई पोचिंग की में जल्दी गन नहीं मिलेगा और केडी गिर जाएगा। हालांकि फटा तो मेरी भी रही थी कि अगर बंदों ने सही में जल्दी मार दिया तो केडी तो बहुत बुरा गिर जाएगा। तो यार आज हम खेल रहे हैं क्या पता किसी के साथ, लेकिन यार एक बहुत खास बंदा है हमारे उसमें जो है कि टोनी स्टार्क, जो कि भैया हमारे गए हैं रोजोक आयरन मैन सर हमारे, वी लव हिम 3000। हाँ तो यार टोनी भैया ने तो मतलब आते ही बंदे मरना इस तरीके चालू कर दी, इससे कोई हद ही नहीं है। तो यार अब हम गन ढूंढ रहे थे पागलों जैसे, घूम रहे थे इधर से उधर एकदम, लेकिन गन तो तुमको पता है बिल्कुल मिलेगा ही नहीं ना, मिलेगा ही नहीं गन। तो जब तक मैं गन ढूंढ रहा हूँ जब तक यार मेरा बंदा पॉट मार के अपना केडी संभाल रहा है, तो मैं कह चलो मुझे भी केडी संभालना बहुत ज़रूरी है। तो मैं चला जाता हूँ पिस्टल निकल के, यार सामने से बंदा आ रहा है कि बॉट आ रहा है उसमें पता नहीं था, लेकिन बाद में मालूम पड़ता है कि भाई बॉट है। तो यार हम यहाँ बंदे मार रहे थे उतनी देर में हमारे टोनी भाई को किसी ने मार दिया, क्या पता थैनोस था। हाँ यार इसका टोनी स्टार्क मर जाता है यार, हमें भी बहुत दुख होता है। तो यार देखो हम गन वन लेके जाते हैं, पीछे पीछे बॉट फायर होता होता है तो मेरे बंदे को लगता है कि भाई वहाँ बॉट है, बिना वो बंदे देखे बोलते कि वहाँ बॉट है। तो अब हम लोग ढूंढ रहे हैं कि बंदे कहाँ है, बंदे कहाँ है। तो यार एक बंदा मुझे दिख जाता है, मैं एनिमिनेट करता हूँ दूसरे बंदे को, मैं आने को बोलता हूँ जिसको लगता है कि भाई ये बॉट था। अबे 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 कहाँ से मार रहे? तो अब इसको मालूम पड़ता है कि बॉट नहीं है, रियल बंदे। हाँ भाई मेरे को दिखता ही नहीं ना, मैं अंधा हूँ। तो यार देखो यहाँ पर अब एक बंदा ब्रोकन वॉल के पीछे था, यहाँ पर देखो सामने वाले स्क्वाड ने गलती क्या करी ना, उन लोगों ने जगह कि सामने बंदे तो उन्होंने मतलब ओपन से साथ में आने की गलती करी। तो यार अब वो दो बंदे लेफ्ट साइड से भागेंगे अपने तीसरे पार्टनर के पास आने के लिए, और यार ओपन में आना सबसे बड़ी गलती थी उन लोगों की, जिसके लिए देखना इस समय तुम लोग क्या होगा। बहुत सही भाई। तो यार देखो इन लोग तो मतलब ओपन में ये सबसे बड़ी गलती थी इन लोग की, जब इन लोगों को स्पॉट से साथ लड़ना था तो यार देखो ऐसे गलत तरीके से मर गए। तो यार आप लोग भी का ध्यान रखो, कभी अगर आप लोगों को स्पॉट स्पॉट फाइट लेना तो ओपन में आना अवॉइड करो, जिस भी कवर में वहां से कोशिश करो कि बंदा नॉक लेके जाओ, उसके बाद पुश मारो। तो अब यार पोचिंग की में से भी एक स्क्वाड आया था, इसको क्लियर करने के बाद हम जा रहे थे गाड़ी से बंदे ढूंढ रहे थे, अभी जैसे गन शॉट आ जाता है और गन शॉट आते हैं यार तुमको तो पता ही क्या होता है, फट जाती है मेरी। हाँ मतलब बंदे मारने जाते हैं हम। अरे भाई ये कौन मार रहा है? बॉट। रुक इसको मैं मारूंगा। अरे यार अच्छा ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, अब इसे क्यों मारने दे भाई बॉट, फ्रीका के लिए काहे दे दे। अब यार यहाँ पर देखो एक बहुत बड़ी गलती जो कि तुम में से बहुत लोग करते हैं, यार होता क्या है ना कि मैं क्लॉ मैंने बस शिफ्ट किया तो मैं थोड़ी सेटिंग्स चेंज कर रहा था, तो मैं मेरे बंदे को दिया ड्राइव करने के लिए कि तू जब तक सीधा मिल्टा लेके जा, लेकिन यार देखो उसे बीच रोड में बंदे दिखते हैं एकदम ओपन में, तो वो यहीं फाइट लेने रुक जाता है। अब यार बहुत सारे लोग तुम में से भी यही करते हैं, मतलब बंदे देख के मतलब इतने खुश हो जाते हैं कि मतलब जैसे जैसे भी की खुदाई दिख गई हो, ठीक है तो यार वहीं रुक जाते हैं। तो यार ये गलती बहुत लोग करते हैं और ओपन में फाइट लेने से यार मर जाते हैं। तो यार देखो यहाँ पर मैं एक बंदा नॉक लेता हूँ लेकिन इसका कोई फायदा है नहीं, ठीक है क्योंकि वो लोग भी बहुत दूर में, वो भी ओपन में, हम भी ओपन में, और वो पूरा स्क्वाड था और हम दो लोग थे यार। तो वो बंदा जो मेरे साथ वो पुश करने वैसे पहले ही डर रहा था, लेकिन फिर पता नहीं क्यों ओपन में फाइट लेने आ गया। तो अब यार वो थोड़ी देर में इससे भी गोली पड़ने लग जाएगी, ये जो इतना खुशी खुशी यहाँ पे फाइट लेने आया था, अभी इधर से उधर भगता दौड़ेगा और फिर गाड़ी लेके हमको भागना ही पड़ेगा। सेफ है स्क्वाड है पूरा इसलिए। ओ भाई पड़ रही है मेरे को। यार देखो इसको पढ़ना चालू हो गई थी, पहले इतनी खुशी से आया था बंदे मारने जैसे चारों बंदे ये अकेला यहीं से बम फेंक के मार देगा, लेकिन बंदों ने इसकी ले ली थी तबीयत से।
तो अब देखो जितने अच्छे से इसने बोला था कि भाई रुक के फाइट ले, तो उतने ही जोर से चिल्ला भी रहा है भगा भगा भगा। तो यार ऐसा ही होता है, इसलिए यार तुम लोग भी ओपन फाइट लेना अवॉइड करो, कोशिश करो कि पहले कुछ कवर ढूंढो आसपास, फिर जाके रश फाइट करेंगे अपने लो। पे वो अब। तो ये बंदे को पहले से पता था कि हम पे रस आने वाला है, हालांकि इसके बाद सही भी निकले, उन लोगों का रस आया। ओ भाई शिट, एक बंदा गांव से उठा, एक बंदा आ रहा है, बंदा है, बंदा है, बहुत सही, फिनिश कर, हाँ पॉडे पूरा यार, शिट आया आया, बंदा है, बंदा है, बंदा है, बंदा है, जल्दी आ सकते हैं। तो अब यार देखो ये ऊपर बंदा बंदा आया, इतना जल्दी खुश हो गया था इन लोग का जल्दी रस आया, देख के कि अबे मतलब वो कहाँ एकदम सीधा विंडो के बाहर ही कूद गया था, और तुम गया, लोगों ने अरे देखा था फोन कैसे आ गया, नॉक हो गया शिट एक बंदा इधर नॉक करने के बाद। अब यार देखो ये पैंथर भी तो था नहीं जो कि नॉक होकर वापस रिवाइव हो जाता, और पैंथर भी से आया, तुम लोग सोचोगे पैंथर भी कहाँ है। तो यार तुम लोग को याद होगा पिछले वीडियो में उनका झगड़ा हो गया था, तो यार अरे देखो नेल उन्होंने फोड़ ऐसे दिए, मोह माया छोड़ बंदे दिया आ रहे हैं, हाँ रश हो रहा है, और नई बंदी फंसा ली है। तो अब यार देखो मैं वहां से निकल गया था स्क्वाड हाउस में आ गया, तो अब यार शिट शिट स्क्वाड हाउस में मेरे पे नीड होता है, और मतलब बंदों का मतलब एकदम पुश आ रहा होता है, तो अब यार क्या करता था मैं, डिफेंड करता था या तो मर जाता। तो अब यार देखो एक बंदा ऊपर आता है, अब उसको किस तरीके से लिया तुम लोग देख ही लो, और दूसरा बंदा भी कैसे मारा यार, अब तुम देख लो ना यार, छत सब पे सब चढ़ सकता बोलूंगा था थोड़ी ना, शायद, देख लो थोड़ा वीडियो देख लो यार। आया एक बहुत सही, सपने देख रहे हो भैया आप, तो यार ये बंदा सही में मतलब सपने ही देख रहा था। तो अब देखो वहाँ से क्लियर करने के बाद हम यहाँ पर आ गए हैं दूसरे घरों में आ गए, जहाँ पर यार अब बहुत कम बंदे बचे हैं, और अब सोलो वर्सेस स्क्वाड गेम हो गया है, तो अब मतलब देखना है कि क्या करना है, हालांकि आ रहे फुटस्टेप्स आ रहे, मर जाता हूँ मैं लेकिन अब ठीक है। तो अब यार देखो एक फुटस्टेप आ चुका होता है लेफ्ट साइड वाले घर से, तो अब मैं चाहता हूँ वो बंदों को देखने के यार मतलब बंदे एक्चुअली है कहाँ पर। अब यार देखो यहाँ पर जो बहुत मेन रोल प्ले होगा वो यार ग्रेनेड का होगा, तो यार तुम लोग भी ध्यान रखा करो कि जब एंड के सर्कल में आ जाओ तो यार ज़्यादा नेट्स कैरी करो, मतलब एटलीस्ट 5 नेट्स और 5 स्मोक तो थ्रू आउट द गेम कैरी किया करो, और जब एंड का सर्कल आ जाए मतलब जब लेस देन 10 बंदा या ऐसा समथिंग बचे तो कम से कम तो सात फिर नेट लेना और 7 स्मोक समथिंग कैरी किया करो। जाएगा नहीं। ओ भाई ओपी, मरा क्यों नहीं, वो देखो देख रोज से आ रहे, देख बाबा, हाँ खिड़की पे था बंदा, अरे जोन के बहुत वांदे, वो देखो देख बंदा रिवाइव हो चुका है उसका, दूसरे वाले खिड़की पे, दूसरे खिड़की पे जोन 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 अब यार देखो यहाँ पर तुमने देख ही लिया होगा कि मैंने कैसे ग्रेनेड से उनका सीधा एक बंदा जोन खत्म कर डालना दिया। पड़ेगा तो तुझे, अब यार देखो मैं स्मोक फेंकूंगा, मतलब मैं घर सीधा नीचे नहीं फेंकूंगा यार, सीधा नीचे जाए नहीं इसलिए, तो इसलिए मैं ताकि वॉल पे फेंक रहा हूँ ताकि टकरा के नीचे फेंकाए। अब यार स्मोक इस मैंने इतने क्यों करे नीचे, उस जो तुम्हें मालूम फोन पड़ बाहर, जाएगा आगे। तो यार देखो 2 स्मोक नीचे हो चुके थे ऑलरेडी राइट साइड में, और एक और स्मोक मैं करूँगा गराज के मतलब ऊपर। तो ये देखो करने की वजह ये कि ना एक साइड से मतलब उन लोगों का टीपीपी ब्लॉक करना है मुझे, कि मतलब राइट साइड से वो लोग गैराज चौबीस से टीपीपी सेकेंड ले ही नहीं पाए, मतलब अगर दो तीन बंदे जितने भी हुए तो अगर वो दो साइड टीपीपी लेंगे तो यार मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यार एक साइड से उनका पूरा टीपीपी ब्लॉक करना था, इस वजह से मैंने राइट साइड में पूरा स्मोक कर दिया। सामने से आए, देखे देख, ओ भाई ओपी भाई, भाग जोन भाग,
तो अब यार देखो यहाँ पे दो बंदे थे, वो दोनों बंदों को मार दिया था। अब यार देखो आखिरी बंदा बचा था, 1v1 सिचुएशन थी। अब यार देखो इस गेम में मैं क्या गलती की वजह से मर जाता हूँ यार, वो मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ। तो देखो होता क्या है ना यहाँ पर बेसिकली, कि अब मैं सब घर चेक करके आ चुका होता हूँ, छोटे छोटे जो सैक वगैरह थे, लेकिन यार वो बंदा स्मोक कहीं करके नहीं होता कंफ्यूज है। कर देखा अब दो ही मैंने। चांसेस थे, या तो फिर वो बंदा विजार्ड टावर में होगा या तो वो इसी घर में ऊपर होगा। तो अब यार देखो वहाँ पर मैं स्मोक फेंकता हूँ कि यार शायद वो बंदा डिस्ट्रैक्ट होकर कुछ तो फुटस्टेप दे दे, लेकिन यार देखो वहाँ से भी वो बंदा कोई फुटस्टेप नहीं था, अच्छा इसका मतलब साफ हो गया था कि बंदा वहाँ पर भी नहीं है, या तो वो ओपन में या तो वो इसी घर में उसका तो ऊपर है। टेंशन वहां जाएगा। अब देखो यार वहाँ पर नहीं विदर टावर में उन्हें गिरा बंदा दो, नहीं था, सोया मतलब ये बंदा इसी घर में ऊपर था, दिख गया नहीं वो था। तो बैग है। तो यार वो बंदा इसी घर में ऊपर था, तो यार देखो पहले मैं सोचता हूँ कि मैं हील बैटल करूंगा, लेकिन यहाँ पर मैं गलती क्या करता हूँ ना, कि मैं हाँ स्मोक सोचो, डालता हूँ वहाँ पर आगे, इसलिए डालता हूँ कि उसका टीपी भी ब्लॉक हो जाए। लेकिन स्मोक होता तो है, लेकिन यार अब मैं जैसे ही अंदर शूट करने जाऊंगा तो मैं सीधा राइट साइड शूट करूंगा, पूरा कमरे में शूटिंग। तो यार होता क्या कि मैं तो उस पर हिट नहीं ले पाता, लेकिन वो मुझ पर ज़रूर हिट ले लेता है, और इस सिचुएशन में मेरी हेल्थ बहुत कम हो जाती है और मैं हील बैटल में भी हार ही जाता हूँ, मतलब मैं हील कर ही नहीं पाता। यार तुम लोग भी अगर ध्यान रखो कि अगर हील बैटल के लिए कर रहे हो तो यार ऑब्वियसली बात है हील बैटल करो, और अगर 1v1 फाइट लेने जा रहे हो तो फिर सही से 1v1 फाइट लेने जाओ, वरना यार जिस तरीके से मैं गलत लेकिन तरीके से मरा, सर तुम लोग भी ऐसे ही मर जाओगे। तो यार बस अगर आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।